दिन की सुबह मेरे लिए बहुत अच्छी थी, गाने सुन रहा था, एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर अचानक से आवाजें सुनाई थी। भैया नो, प्लीज स्टॉप इट, नहीं बंद करो। All is well. Shit, क्या था ये? ठीक है, करता हूँ मैं। Bella, God of War, yo, what is up, public? क्या हाल चाल है मेरे भाई लोग, मेरे हिप हॉप लवर हैशटैग बहुत सा गैंग की पब्लिक, आप सभी को दिल से बहुत सारा प्यार। बेला बोले God of War। बेला अपना नया ट्रैक लेके आ चुके हैं, गाने का नाम है आई एम अ किड, म्यूजिक वीडियो है होम, द एल्बम, एल्बम के अंदर से, और ये एल्बम खत्म होने का नाम नहीं ले रही हूँ, हम चाहते भी नहीं कि भैया खत्म हो, क्योंकि अलग अलग वेरिएशन के गाने, अलग अलग कैटेगरी के गाने, अलग अलग म्यूजिक के साथ जो एक्सपेरिमेंट बेला ने इस एल्बम के अंदर किया भाई, वो एक अलग ही चीज है, और उसके लिए एक सैल्यूट बनता है भाई। बैक टू बैक गाने आ रहे, कंसिस्टेंसी खतरनाक वाली बना के रखी हुई है। तो आई एम अ किड गाना आ चुका है बेला का, लेट्स गो करेंगे और देखेंगे क्या कुछ बातचीत भैया इस गाने के अंदर लेके आए हैं, और 2021 भाई खत्म होते होते एक अलग ही सीन होने वाला है भाई बेला का, यार बहुत यार डिजर्विंग बंदा है, यार बहुत डिजर्विंग बंदा है। तो गाना सुनेंगे और फिर बात करते हैं। पहनू महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है, मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है। पहनू महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है, मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है। शायद मेरे अंदर कलाकार जो मेरे बाप ने पहचाना नहीं, 9:30 के बाद घर पे गाने वाने गाना नहीं, से पैसे लेके किसी स्टूडियो में जाइयो मत बेटा, ऐसी चीजों को कभी दिल से लगाना नहीं, म्यूजिक क्या ही देगा अब मैं खेलूं लाखों में, कल मैं म्यूजिक क्या ही देगा अब खेलूं मैं लाखों में, म्यूजिक क्या, तो ये बेसिकली उनके पिताजी ने बोला कि म्यूजिक क्या ही देगा, लेकिन अब जो है भैया उनका बेटा लाखों में खेल रहा है। और यार ये बहुत हार्ड लाइन है लोगों को बताना, मतलब जैसे हम होते हैं, हम बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि यार हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव है भाई, हमारे साथ देते हैं, बट यहाँ पे बेला कह रहा है कि भाई मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, क्योंकि उनके अंदर बेटा ही नहीं दिखता है। तो मेरे को लग रहा है कि भाई रैप से रिलेटेड ये चीज यहाँ पे बोली इन्होंने, शायद इनके पिताजी की और बेला की लड़ाई होती रहती है, आपस में झगड़े वगैरह होते होंगे शायद रैप को लेके, जैसे कि उन्होंने बोला कि मेरे से पैसे लेके तो स्टूडियो वगैरह में मत जाइयो, 9 बजे के बाद भाई गाने वाने तुम मत बजाइयो, तो बेसिकली शायद उनके पिताजी को रैप पसंद नहीं है, या फिर वो बोलते होंगे यार रैप के अंदर क्या ही करियर बनेगा, लेकिन अब भाई उनका बेटा लाखों में खेलता है, और ये भाई बहुत बड़ी बात होती है, एक हार्ड चीज होती है बताना, और वहाँ पे बेला ने भाई ये सारी चीजें बताई है। तो बेटा नहीं दिखता, शायद उनके अंदर का जो कलाकार है वो उन्होंने पहचाना नहीं है भाई, और अब जो है भाई कलाकार बहुत आगे निकल गया भाई उनका बेला, तो यस, तो ये सब चीजें बहुतों के साथ होती होगी शायद, कि उनके यार ये होती है यार, क्योंकि उनके माता पिता की एक्सपेक्टेशन कुछ एक अलग होती है, कि नहीं हमारा लड़का ये करेगा ऐसे करेगा वो, तो हम उनके हिसाब से नहीं चल पाते, तो उनको कभी कभी लगता है कि यार कि क्या ही करेगा यार, हम जो समझा रहे वो करेगा तो कुछ आगे निकल जाएगा, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं यार हमें कुछ अलग चीज़ करनी है, तो वो बेला के साथ ही वो सीन हुआ होगा, बेला कह रहा होगा नहीं मेरे को ये नहीं करना वो नहीं करना, मेरे को रैप ही करना है, तो शायद उस चक्कर में कुछ भैंसबाजी होती होगी, वही सारी चीजें यहाँ पे बताई है। से पैसे लेके किसी स्टूडियो में जाइयो मत बेटा, ऐसी चीजों को कभी दिल से लगाना नहीं, म्यूजिक क्या ही देगा अब मैं खेलूं लाखों में, कल मैं गलियों में था बड़े सितारों में, पापा मुश्किल है अकेले सब कुछ हासिल करना, तेरा लड़का हीरा पहनेगा किताबों से, जब मैं गिरा तो कोई साथ देने वाला नहीं, जैसे भी हालात मैंने मुश्किलों को टाला नहीं, जीना तो जिंदगी सिखा देती है, अब मैं जैसा भी हूँ एवरीबॉडी नोज मी के पहनूं, अब मैं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है, मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से। यार बहुत सही चीज यार यहाँ पे बेला ने बोली, और वो एक बीच में हमने सीन भी देखा था, बेला को लोग हेट वेट कर रहे थे, वो प्यार नहीं मिल रहा था, बेला ने बोला भी था मैं क्विट कर दूंगा, मेरे को मतलब लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे उस तरीके का, तो वही कह रहे कि भाई मुश्किल हालात से भी हमने सीखा और एक साथ इकट्ठे होके चले, और
डरा नहीं, आगे बढ़ता गया, कहने के ये मोटिवेशन भी। और आज देख लो भाई, पहला करते गए काम करते गए और आज भाई बहुत आगे तक निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेरे को यार बहुत सही लगी, जो यहाँ पे बेला ने बोला, बड़े सितारों में पापा मुश्किल है, पापा मुश्किल है अकेले सब कुछ हासिल करना। यस ब्रो, यस, ये बात तो यार सच है यार, क्योंकि माता पिता का हाथ रहता है ना साथ में, तो भाई अब जो मुश्किल चीजें वो बहुत ही आसान लगने लग जाती है, और फिर हमको लगता है कि नहीं यार हमारे पिताजी तो है हमारे साथ यार, वो संभाल लेंगे जो भी बातचीत होगी। तो यस यार, पिताजी के बिना तो यार मुश्किल होते ही है यार। बड़ी लाइन यार बेला बहुत सही बोल रहा है, बहुत सही चीज जा रही है भाई बेला की तरफ से, और दिल खोल के रख दिया भाई बंदे ने यार। ताला नहीं, जीना तो जिंदगी सिखा देती है, अब मैं जैसा भी हूँ एवरीबॉडी नोज मी के पहनूं, अब मैं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है, मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है, पहनूं पहनूं अब मैं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है, मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है, शायद मेरे ऊपर जिम्मेदारियां, शायद मेरे अंदर पाप है, मेरी कलम ये है वान और आजाद है, शायद मेरे अंदर थोड़ा सा इंसान है जिसने जिंदा रखे मेरे सारे ख्वाब है, अब मैं थोड़ा थोड़ा जी लेता हूँ, गम हो या खुशी पी लेता हूँ, मैं बस दुआ करूँ सगे बचे रहे। ये देखा यार, मतलब कितना ऐसे सॉफ्ट चलेगा, मतलब एक अपना दिल बंदा जब बात करते करते वो सॉफ्ट सा चले जाता है ना, वो पूरी इस वाली चीज को पूरा नीचे कर दिया। सेकंड वर्स ना, पहला वर्स थोड़ा ऐसे हार्ड सा जा रहा था, और सेकंड वर्स में भाई पूरा ऐसे बोलते बोलते ऐसा बंदा होता है ना अंदर से टूट जाता है, तो फिर वो आवाज उसकी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो बेला ने वही चीज यहाँ पे इसमें ट्राई किया भाई, वो दिल से निकला है भाई ऑटोमेटिक ही, तो वो फील दिख रहा है यार सेकंड वर्स के अंदर, वो फील दिख रहा है अलग से यार, चेहरे पे भी वो फील दिख रहा है। अंदर रखे मेरे सारे ख्वाब है, अब मैं थोड़ा थोड़ा जी लेता हूँ, गम हो या खुशी पी लेता हूँ, मैं बस दुआ करूँ सगे बचे रहे, बाकी सभी खींचने में लगे रहे, कभी नीचे कभी फोटो मेरी, मैं बस तोलूं फिर मैं तोड़ूं हर दिन खुद की लिमिट्स, साइको करता मल्टीप्लाई डिजिट्स, हर दिन कहता मेरा जानवर है बेला, गेट अप गो एंड किल हिम, अब घर में म्यूजिक बजता है 9:30, किसको फर्क पड़ता है, अपना हर एक दिन कलाकारों में गुजरता है, सबको साथ लेके चलने वाला ही उभरता है। फैक्ट्स फैक्ट्स ब्रो, यार ये चीज को बहुत सही लगा, रोकना पड़ रहा है मेरे को, तो जैसे उनके पिताजी कहते थे 9 बजे के बाद भाई गाना नहीं और ये नहीं हो रही, तो अब कोई फर्क नहीं है भाई, अब बंदा निकल गया बहुत आगे, और भाई वो सारी चीजें अब बेला को मिल चुकी है यार, ये चीज बहुत सही बोली यार, ये सही चीज बोली। लोग अब दूसरे भाई वो टांग खींचने में लगे, टांग भी खींचता क्योंकि भाई फोटो भी खींचता, सर 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 क्या काम कर रहे आप, एक सेल्फी, और यार ये लाइन यहाँ पे बहुत सही बोली यार, अब घर में म्यूजिक बजता है कोई रोक टोक वाला नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चा भाई स्टार है यार। हर दिन कहता मेरा जानवर है बेला, गेट अप गो एंड किल हिम, अब घर में म्यूजिक बजता है 9:30, किसको फर्क पड़ता है, अपना हर एक दिन कलाकारों में गुजरता है, सबको साथ लेके चलने वाला ही उभरता है। फैक्ट्स, उम्र सबक देती है, जिसमें कला जितनी ज्यादा उसको घमंड देती है, जिसमें जितनी ज्यादा क्षमता उससे ज्यादा छीनेगी, मगर सच्चे रहने वालों को ये सबर देती है, तो सबर रख, अब स्टार्स लिखे दिए मैं वो सब, I'm gaining power, मुझ पे सबका ट्रस्ट, मैं सबसे ऊपर रखता अपना टर्फ, the only one above, पहनूं अब मैं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है, मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है, पहनूं पहनूं अब मैं महंगे महंगे कपड़े, इन आंखों में नशा मेरा दिखता है, मेरी बनती नहीं है खुद के सगे बाप से, उसे मेरे अंदर बेटा ही नहीं दिखता है, उसे मेरे अंदर, I'm a kid, I'm a kid, I'm a kid, bitches. I love you, dad. Oh, so finally, यार अपने तो अपने होते हैं, तो बेला कह रही है यार मेरे पिताजी कंसर्न करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, बट वो रैप से रिलेटेड जब बातचीत आती है तो भाई शायद वो सपोर्ट नहीं करते होंगे बेला को, और बहुत सही चीज़ यार यहाँ पे बेला ने लिखी है, और एक कहने के मोटिवेशन वाली बात है, और बहुत सारे लोग इससे समझ पा रहे होंगे इससे फील, क्योंकि बहुत सारे के साथ ऐसे ऐसा कुछ ना कुछ सीन होता ही है कि भाई लड़का कुछ और करना चाहता है लेकिन उसके पिताजी कुछ और बोलते हैं, लेकिन लड़का जब वो कर जाता है तो भाई फिर होता है एक असली प्राउड वाला फील। तो ये मेरा रिएक्शन वीडियो था, आपको गाना कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड भाई जो भी है बेला और उनके पिताजी के बीच में भाई सब ठीक हो जाए तो अच्छा है यार, क्योंकि हर एक को एक सपोर्ट चाहिए रहता है। सो यस, बेला के पिताजी, तो लड़का निकल गया भाई तुम्हारा स्टार, और स्टार भी लिखते हैं भाई DM में व्हाट्सएप, तो भाई अब तो अब पूरी बातचीत है, मतलब बेसिकली देखा जाता है अब तो टैलेंट था वो निकल गया, पब्लिक को समझ आ गया और अब पब्लिक उसको
आगे बढ़ाई जा रही है।